जिसने इमाम हुसैन की करबला को सजाया है, जिसने इमाम हुसैन की करबला को संवारा है, आज आप जब भी दर मुहर्रम का चांद नमूदार होता है, हम सब अपने घरों से निकल पड़ते हैं, अपने वतन पहुंचने की सही करते हैं कि एक दो वतन का मातम करने जाना है। हमारी कोशिशें होती है कि पहली मुहर्रम को पहुंच जाए, नहीं पहुंच पाए अफसोस होता है, दो मुहर्रम को तो चले ही जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे करके तारीख बढ़ती जाती है। लेकिन हर इंसान अज़्म कर लेता है, चाहे आज कोई भी वजह हो, कुछ भी करना पड़े, लेकिन कल 8 माह मुहर्रम है, हमें अपने वतन पहुंच जाना है, हमें पुरसा पेश करना है। जनाब अब्बास का नाम लेकर आगे बढ़ाइए, बाइतमान आगे जाएगा। दुनिया की तारीख लिखने वालों ने हमेशा महसूस किया है कि जब भी तूफान तेज होता है, अगर नाबे अब्बास ले लिया जाए तो तूफान के अंदर कमी आ जाती है। इमाम हुसैन की सजादारी के तूफान को इन नौजवानों ने बता रखा है कि देखो हम आज 8 माह मुहर्रम है, हम अपने अपने वतनों में आ चुके हैं, सही कर रहे हैं, इमाम हुसैन की उस सजादारी में शामिल है। मैं अपने नौजवानों को मुखातिब करके कहूंगा कि आज दिल खोल कर मातम करना, क्योंकि उसका मातम करने जा रहे हो जिसके दोनों बाजू कलहू। आजादारों रवायतों में मिलता है, मैं जब इस बात से जमीन करबला पर गया तो एक अरब का जाकिर ये बयान कर रहा था बातें, हमारे साथ जो तर्जुमा करने वाले मौलाना थे, मैंने उनसे पूछा कि ये क्या कह रहा है, तो उन्होंने बताया दो बातें कि वो उन्होंने बताया कि आज भी रोजा जनाब अब्बास इमाम हुसैन के रोजे की तरफ झुका हुआ है, इससे बड़ी बात कुछ नहीं कि जिसका रोजा भी झुका है इमाम हुसैन के सामने। और उसके बाद एक रवायत और उन्होंने बयान की कि 60 साल पहले का वाकया है, किसी करबला में हरम के सामने रहने वाला एक इंसान जो बहुत गरीब था, हुसैन की फर्शी अज़ा बिछाता था, लेकिन 8 मुहर्रम को नजरे अबुल फजल अब्बास करता था। एक दिन उसके दिल में यह तमन्ना आई कि मेहमान आ चुके हैं, काश मैं आज उसको बुलाऊं कि जिसकी नजर है। एक बार हरम के सामने गया, मौला अब्बास से गुजारिश की, अब्बास आज नजर देने आ पाइएगा। फिर वापस घर में आ गया, मेहमान आ चुके हैं, देर हो रही है। फिर थोड़ी देर के बाद गया हरम में, आका आइए आप नजर देंगे तो आज नजर होगी। तीसरी बार आया तो मेहमानों ने कहा कि अगर आप तुम नजर नहीं दोगे तो हम चले जाएंगे, हमें दूसरी जगह भी जाना है। आपको अंदर आता है और अंदर आने के बाद क्या देखता है कि मजमा तो बहुत आ चुका, उसमें एक खूबसूरत नौजवान भी है। वो उसी की तरफ मुहातिब होकर कहता है कि मुझे तो जिसको बुलाना था वो नहीं आया, आप ही नजर कर दीजिए। बस वो शख्स आगे बढ़ा, नजर करने लगा, अभी आपने अपने घर में नजर दी होगी, जैसे ही वो शख्स नजर करने लगा उसने हाथ नहीं उठाया, उस शख्स ने कहा हम अब्बास की नजर हाथ उठा कर देते। उस शख्स ने कहा पहले तो बुलाते भी हो और फिर हाथ उठा।
جو ساحل پر شہادت پا کے بھی راضی رہا ہے ہاں جو راضی رہا ہے مرمت سے راضی مرمت سے راضی